वेलकम टू स्टडीट्यूबर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि अभी स्प्रिंटेक्स चल रहा है, स्प्रिंटेक्स मतलब जल्दी से आपको वैसे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि मौजूद है, आप देख सकते हो आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है एंड कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रूव दैट थ्री टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ अल्टीट्यूड्स। फिर से पढ़ दे रहा हूं, देखेंगे। प्रूव दैट द थ्री टाइम्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ अल्टीट्यूड्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें किसी भी एक साइड के स्क्वायर का थ्री टाइम्स, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का कितना, थ्री टाइम्स जो कह रहा है अल्टीट्यूड के स्क्वायर के कितना टाइम्स, फोर टाइम्स। देखिए यहां पे कह रहा है थ्री टाइम्स द स्क्वायर्स स्क्वायर ऑफ एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द फोर टाइम्स द स्क्वायर ऑफ व्हाट, अल्टीट्यूड्स, जो कि यहां पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। और ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बस ऐसे कंडीशन है हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारा कोई हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एज्यूम कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी साइड जो होता है इक्वल होता है और ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हो। और शायद हम लोगों ने बचपन में यह भी पढ़ा था, लेकिन चलिए ठीक है वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे हमारा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड, आप कोई भी एक साइड ले लो, मान लो हम साइड ए बी ले लेते हैं। तो हमें यहां पर गिवन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जैसा कि जान रहे हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका क्या मतलब होता है, दैट इज ए बी इक्वल बी सी इक्वल व्हाट, ए सी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी होता है ना, आप सभी जान रहे हो। चलिए ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं टू प्रूफ। प्रूफ में मैं क्या करना है, थ्री टाइम्स द, चलिए ठीक है यहां लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं इरेजी कर देता हूं। यहां पे हमारा जो कह रहा है थ्री टाइम्स द, टू प्रूव में हमें जो कह रहा है आप देख पा रहे होंगे थ्री टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ एनी वन साइड, थ्री इंटू कोई भी एक साइड ले लो, ए बी बी सी ए सी, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही है ना। मान लो हम ए बी लेते हैं तो थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू क्या कर रहा है, फोर टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जानते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है। तो मान लो ये अल्टीट्यूड है आपका, इसको डी मान लेते हैं, तो क्या कर रहा है, फोर टाइम्स द स्क्वायर्स ऑफ अल्टीट्यूड, और हमें यही प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सारा अभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप कई बचपन पढ़े हुईगा, मैंने शायद बताया भी था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बेस जो होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि यहां पर BD इक्वल DC हो जाएगा। चाहो तो इसको कंग्रुएंट करके भी कर सकते हो, BD इक्वल DC आ जाएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, BD इक्वल DC इक्वल क्या, हाफ BC है ना। मैं यहां लिख देता हूं BD इक्वल DC इक्वल हाफ BC, ठीक है। चलिए अब हमारा LHS क्या है, थ्री AB स्क्वायर, तो थ्री इंटू ABS स्क्वायर है, लिखी देते हैं पहले। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं सर, 3 इंटू ABS स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आप देखिए किस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ABS स्क्वायर लाई कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे इन ट्रायंगल ADB, तो इन ट्रायंगल ADB में अगर हम ABS स्क्वायर फाइंड करते हैं सर, तो ABS को क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, H स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस BS स्क्वायर, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो मैं क्या यहां पे ABS स्क्वायर को लिख सकता हूं, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, इस तरीके से हमारा 3 इंटू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर होता है। अब जरा गौर फरमाइए, क्या मेरे को AD चाहिए, बेशक चाहिए AD, देख सकते हो यहां पे हमको AD चाहिए, इसलिए AD में हम कोई तब्दीलियां नहीं करेंगे, तो AD स्क्वायर जो कहते हो अब प्लस
प्लस क्या, आप देखो डीबी है तो मैं डीबी को क्या लिखूं, सोचिए डीबी को क्या लिखेंगे, डीबी को हम लिख सकते हैं क्या हाफ बीसी, क्यों सर, क्योंकि बीडी इक्वल डीसी है और बीडी इक्वल डीसी मतलब क्या हाफ बीसी, दोनों तो बीसी का हाफ है, तो यहां पर मैं डीबी को लिख सकता हूं हाफ बीसी, तो हाफ बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 बीसी स्क्वायर, क्लियर है, तो 3 एडी स्क्वायर प्लस 1/4, और बीसी आपको चाहिए नहीं चाहिए ना, तो बीसी को हम क्या ए बी लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, आप देख पा रहे होगे बीसी इक्वल ए बी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले लूं, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो 3 एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहां पे 4 एडी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर है। अब आप जो देख पा रहे होंगे कि ये सर ये सारा का सारा टर्म हमें किसके इक्वल आ रहा है, सर देख पा रहे हो ना, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे तो हमको इतना आ रहा है, तो मैं यहां पर ऐसा लिख दे रहा हूं 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 3 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4, ऐसा होगा, होगा ना, बेशक होगा। अब चलिए 3 से 3 मान लो कैंसिल कर दो, तो क्या हमारा रिस्ट बच गया ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, होगा ऐसा। अब चलिए मेरे को तो चाहिए किसमें रिलेशन, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर कुछ गलत हो रहा है, देख पा रहे हो यहां 4 आपका छोड़ रहा है, ठीक है ना, मैंने यहां 4 ले दिया, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हमें तो ए बी ए डी में रिलेशन चाहिए, तो क्यों ना सर मैं ए बी को मैं इधर ले आता हूं लेफ्ट साइड, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर, और आप देख पा रहे हो 4 ए बी में से ए बी घट जाएगा तो क्या होगा 3 ए बी स्क्वायर इक्वल 4 ए डी स्क्वायर, और हमें यही रिलेशन चाहिए, और इस तरीके से हमारा ये रिलेशन ऑप्टन होता है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें बीबीआई लगा देता हूं, और बीबीआई के लगाने का मतलब आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर पल का ऐसा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे और इन सारे वीडियो का फायदा ले पाओ। तो मेरे ख्याल से इतना ही, थैंक यू।